दिल्ली में क्रेन की चपेट में आने से ठेले वाले की मौत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क के इलाके में क्रेन की चपेट में आने से एक ठेला विक्रेता की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मृतक की पहचान शास्त्री पार्क के बुलंद मस्जिद इलाके में रहने वाले 22 वर्षीय आदिल के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक सुबह 10:40 के करीब 0 पुछताछ पर क्रेन से दुर्घटना होने की PCR कॉल मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला है कि हाइड्रा क्रेन ने ठेले वाले आदिल को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। क्राइम टीम ने घटना स्थल का दौरा किया है। उन्होंने बताया है कि क्रेन चालक मौके से भाग गया और उसका पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ये अंडे की ठेली लगाता था वहाँ पे दुकान पे, ये 0 पुश्ते वाली जो रोड है मेन रोड, इस पे जो है काम चल रहा है ये पुल का, फ्लाईओवर का। तो जो GCB गाड़ी आ रही थी वहाँ पे, तो वो इंगल विंगल उठा रहे थे, तो इसकी ठेली लगी। वो ठेली के बराबर में ये खड़ा हुआ था, तो उन लोगों को दिखा नहीं। इंगल वालों जो JCB जो जा रही थी उसकी वजह से जो उसके टायर के नीचे आ गई। अच्छा, कैसी डेथ हो गई इनकी? ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये देख लो। कितनी उम्र थी, क्या नाम है भाई का? इनका नाम है मोहम्मद आदिल और इनकी उम्र लगभग 22-23 साल है। जी मेरा ये साला है।